आज की बड़ी खबर आपको सबसे पहले झारखंड की बताएंगे, जहां झारखंड में एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से झारखंड दौरे पर हैं। सीएम योगी धनबाद और बोकारो का करेंगे दौरा। सीएम योगी 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बता दें निरसा में भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता के पक्ष में सीएम योगी रैली करेंगे। वहीं बोकारो में भाजपा प्रत्याशी बिरंजी नारायण के पक्ष में रैली करेंगे। बता दें आज दो क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे। बोकारो और निरसा में रैलियां करेंगे और सीएम योगी का ये झारखंड में आखिरी जनसभा होगा। अब रुक कर लेते हैं हमारे निरसा से संवाददाता समामा ओसाल की ओर। समामा, निरसा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा भी है और भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा और रैली करेंगे, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है उनकी जनसभाएं और जो रैली है, कितनी महत्वपूर्ण? जी क्योंकि फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ निरसा के लिए जो भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता के लिए ही नहीं बल्कि निरसा और सिंदरी दोनों जगह से जो भाजपा के प्रत्याशी है, निरसा से अपर्णा सेनगुप्ता और सिंदरी से तारा देवी, दोनों के समर्थन के लिए आ रहे हैं। दोनों ही जगह के जो समर्थक है, भाजपा के समर्थक, वहां की जनता के साथ साथ दोनों ही विधायक, दोनों ही भाजपा प्रत्याशी यहाँ मौजूद रहेंगे। और उसको लेकर आपको बता दूं कि जो उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जो उत्साह देखा जा रहा है, जिस तरह का मतलब वो एक आतुरता लोगों के बीच दिखा जा रहा है कि योगी को सुनने के लिए लोग बेताब दिख रहे हैं। और जो आज जो जन सैलाब उमड़ेगा वो 50,000 से भी ज्यादा की संख्या में लोग वहां आने की संभावना है। निरसा के नया डांगा स्थित काली मंदिर में सभा स्थल की पूरी तैयारी कर ली गई है, कल हमने खबर भी भेजा था। और ये लगातार चूंकि ये दूसरे चरण का जो चुनाव है, 20 तारीख को जो चुनाव होना है, मतदान होना है, उसको लेकर लगभग जितने भी स्टार प्रचारक हैं सभी दलों के लगभग यहाँ आने शुरू कर दिया और बहुत तेजी के साथ प्रचार प्रसार शुरू हो। उसी में आज योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, फिर से लोग उनके जुबान से वही चीजें सुनना चाह रहे हैं कि उनकी जो उनका एक अपना एक स्लोगन है, बटोगे तो कटोगे, वो सुनने के लिए लोग बेताब है। जितने भाजपा कार्यकर्ता चाह रहे हैं योगी के आने से एक अलग ही माहौल, जो लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक जीत की ओर जो है भाजपा दर्ज करने जाएगी और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जी बिल्कुल समामा, लेकिन उनके आगमन को लेकर व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं, जो जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं, इस पर एक जानकारी ले लेना चाहेंगे आपसे। सिर्फ जिला प्रशासन ही नहीं, आपको बता दूं कि जो SPG सुरक्षा है, क्योंकि वो उन्होंने पूरी SPG है, NSG है, सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। कल ही से SPG का दौरा, NSG का दौरा, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उनके DIG रात में आए थे और पूरी जो सुरक्षा घेरा जो है वो SPG अपने हाथों में लिया, SPG, NSG, उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके बाद जिला प्रशासन, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात रहेंगे। उसके सारे ड्रॉप आउट एरिया जो है वो हेलीपैड जहां उतरेंगे वहां, उसके बाद जो गेट एंट्रीज जो है वहां पे सारे जो रास्ते हैं, जिन रास्तों से जो संभावना है कि इन रास्तों से लोग आएंगे, उन सारे रास्तों पे, सारे छतों पे मंदिर, क्योंकि वहां काली मंदिर के समीप हो रहा, सारे छतों पे मतलब सुरक्षा के तैनात कर दिया गया। बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल समामा, और जैसे कि आपने कहा कि उनका जो स्लोगन जो बहुत प्रचलित हो रहा है उसे सुनने के लिए समर्थक आएंगे, और जैसे कि स्टार प्रचारकों की सूची में NDA के सूची में उनका नाम है, भारी फैन फॉलोइंग है उनकी, तो जाहिर सी बात है कि जो समर्थक है, जन सैलाब काफी भारी मात्रा में वहाँ, भारी तादाद में वहाँ उमड़ सकता है। लेकिन ये जो रणनीति, एक प्रकार से कह ले जो मूल मंत्र योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं कि बटोगे कि कटोगे, इसका प्रभाव जनता पर कितना पड़ रहा है? क्योंकि इससे पहले भी झारखंड में उन्होंने दौरा किया है, जनसभाएं की है, उसमें भी उन्होंने यही बात कहा है,
इस बार भी जाहिर सी बात है यही जो मूल मंत्र वो दे रहे हैं, जनता पर कितना प्रभाव होता दिख रहा है? देखिए, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जनता पे इसका सीधा असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि ध्रुवीकरण का जो एक फंडा है, चाहे हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण हो या फिर दूसरी ओर आप देख ले, कल ही हेमंत सोरेन आए थे सूबे के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में आए थे, उन्होंने चिल कहा कि हेलीकॉप्टर में भर भर के जो है भाजपा वाले जो चिल और गिद्ध की तरह लोग आ रहे हैं, यहाँ कौए की तरह आ रहे हैं, तो इस पर ध्यान नहीं। तो इस तरह की जुबानी जंग जो है वो शुरू हो चुका है, वोटों के ध्रुवीकरण करने की कोशिशें और साजिशें वो शुरू हो चुकी है, और उसी ध्रुवीकरण के पैटर्न पर ही जो आज फायर ब्रांड नेता जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है, वो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आएंगे और आज जो सभा को जो संबोधित करेंगे, तो उसमें वो पूरी तरह से जो यहाँ वोटर है, क्योंकि ये बार बार ये कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, तो ये नारा भी लग रहा है एक है तो सेफ है, तो वोटों को जितने वोटर हैं जो हिंदू वोटर है खासकर, उनको गोलबंद करने का प्रयास उनकी ओर से किया जाएगा और कुछ हद तक उसमें वो कामयाब भी दिखेंगे। जी स्नेहा, बिल्कुल निरसा में देखिए सेकंड फेज पर चुनाव होने वाला है और भाजपा प्रत्याशी उतारे गए हैं, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी उतारे गए हैं, जनता पर डिपेंड करता है कि वो किसे समर्थन देंगे, ये जाहिर सी बात है, और 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि असली विजेता कौन होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है समावा, कि वहां पर विकास कितना हो पाया है, सरकार कितना काम कर पाई है, वहां जनता के क्या मुद्दे हैं इस बार? जनता के मुद्दे हैं, चूंकि राज्य के सूबे के हेमंत सरकार ने कई सारी योजनाएं जो धरातल पर उतरी है, खासकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, अबुआ आवास, ऐसे कई योजना है जिसका लाभ यहाँ सीधे तौर पर लोगों को मिला है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिला है। और वो लाभ कि चूंकि आप देखेंगे कि निरसा के अंदर ये दो ऐसे विधानसभा है, निरसा और सिंदरी, जहां आपको कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, नेक टू नेक फाइट दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में देखा जाएगा, और आप 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि नतीजा जो है बहुत ही नजदीकी मामला दोनों ही जगह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हेमंत सूबे के हेमंत सरकार ने जिन योजनाओं को धरातल पर, हालांकि भाजपा उसको कई तरह से ये इस तरह से लोगों को जनता के बीच जाने का काम कर रही है कि हेमंत सोरेन सरकार ने ठगने का काम किया है, 4.5 साल तक जो है हेमंत सोरेन जो है वो सोए रहे और आखिरी के 6 महीने में वो काम करते नजर आए, तो इस तरह से वोटरों को बीच जाकर भाजपा ये प्रयास कर रही है। लेकिन चूंकि जो वोटर जो लाभान्वित हुए हैं सीधे तौर पर योजनाओं का जो लाभ उनको मिला है उससे वो काफी खुश है, तो इसलिए दोनों के जो फी बीच में जो फाइट जो दिख रहा है बहुत ही नजदीकी मामला दिख रहा है इसमें, और आप देखेंगे कि नतीजा जो है बहुत ही कम मार्जिन, 500,000 के मार्जिन में दोनों की जीत हार होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए समामा। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से झारखंड दौरे पर है और इसी के तहत निरसा वो पहुंचेंगे, साथ ही सिंदरी में भी जनसभा और रैली करेंगे, दोनों भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। हालांकि जिस तरह का डेवलपमेंट या विकास कह ले क्षेत्रों में हुआ है और जिस तरह से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और एनडीए के ओर से योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का समर्थन किस ओर जाता है। और बता दें कि बोकारो में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का जनसभा होने वाला है, वहां भी एक इम्पॉर्टेंट जनसभा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बोकारो से दिनेश पांडे जुड़ गए हैं। दिनेश, बोकारो में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी, प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे, लेकिन जैसे तस्वीरें बता रही हैं कि बटोगे तो कटोगे के जो नारे प्रचलित हो रहे हैं इस बार एनडीए खेमे में, उसके पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं स्वागत के लिए।
देखिए बेशक कहा जा सकता है कि बटेगो तो कटेगे के नारे के बीच जो है सीएम आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम आज यहाँ निर्धारित है और यह कार्यक्रम जो है बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में आयोजित होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ होंगे, चूंकि हालांकि आपको मैं पहले बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान अभी 10-15 मिनट में बोकारो एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाले हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ 12 बजे के आसपास जो है अपने सभा स्थल पर ही उनकी हेलीपैड बनाई गई है और उसी जगह वो उतरेंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच महती जनसभा को वो संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है, चूंकि यहाँ मोदी भी आकर चले गए हैं और अब योगी का बारी है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाह रही है। उनके स्टार प्रचारक जो है लगातार यहाँ आ रहे हैं और उनकी सभाएं भी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है हैट्रिक लगाने के लिए अपना सभी तैयारियां लगभग पूरी कर चुका है। और ये कहा जाए कि इस मंच से हम बताएंगे आपको कि साझा जो मंच इस बार करेंगे शिवराज जी और योगी जी, तो इस साझा मंच से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और एनडीए के समर्थित प्रत्याशी बिरंची नारायण के पक्ष में ये लोगों से वोट मांगने की अपील करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए कि भाजपा प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में है, विधायक भी है और उन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर बोकारो में सिटिंग विधायक रहते हुए उनके कार्यकाल में कितना विकास हो पाया है और जनता के इस बार क्या मुद्दे हैं दिनेश, और क्या ये नारे ये जनसभाएं जो एनडीए खेमे से हो रही है परिवर्तन की लहर नजर आ रही है? देखिए अभी एक कहा नहीं जा सकता कि परिवर्तन की लहर अगर कहा जाए तो राज्य में परिवर्तन की लहर जो है इस तरह की हो रही है, लेकिन हम यहाँ की अगर इस सीट पर की परिवर्तन की अगर बात करें कि बोकारो सीट जो है तो यहाँ टसल की लड़ाई जरूर है, मुकाबले ये कहा जा सकता है कि बहुत टक्कर के मुकाबले हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी श्वेता सिंह और ये दोनों आमने सामने हैं। लेकिन अब जहां तक जनता की विकास की अगर हम बात करें तो विकास से बोकारो कभी अछूता नहीं रहा है और खासतौर पर दो दो बार जो यहाँ बने हैं उन्होंने मेडिकल कॉलेज की बनाने की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि हम मेडिकल कॉलेज का स्थापना करवा रहे हैं, एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, और लेकिन ये कहा जा सकता है कि यहाँ के विकास के जो मुद्दे हैं वो तमाम मुद्दे जो है आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझते रहे हैं। यानी एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट पहले से ही बन करके पूरी तरह से तैयार है, आधुनिक संसाधनों से भी लैस है, लेकिन चिक्के द्वारा इनको अब तक जो है ये नहीं मिल पाया है। और दूसरी चीज हम कहें कि राज्य सरकार के द्वारा कुछ चीजें को जो कुछ काम जो है एयरपोर्ट के आसपास में करवानी थी वो अब तक नहीं हो पाई है, तो अब यहाँ श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कहना है कि हमने ये तमाम व्यवस्थाएं दी थी, हमने केंद्र सरकार की ये योजना थी, हम केंद्र सरकार के से जितने कार्य थे उस सब पूरा करवाए, लेकिन राज्य सरकार इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। यानी हम आपको बता दें कि बोकारो के लोगों का जो मुद्दा है खासतौर पर इस बार एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इसके अलावे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पेयजल की समस्या जो है बोकारो में है। हालांकि हर घर नल की योजना का कार्य जो है बहुत प्रगति पर था और कई घरों में पानी पहुंच भी गया है, लेकिन कुछ एक घर आज भी अछूते हैं क्योंकि चास के पानी का लेयर जो है काफी नीचा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये मुद्दा जो है विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर के हावी है और विपक्ष का यही कहना है कि यहाँ जो है पेयजल की समुचित प्रबंध विधायक के द्वारा नहीं करवाया गया था और लिहाजा पब्लिक जो है काफी रुष्ट है और पब्लिक हमारे पक्षों में इस बार मतदान करेगी, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है, देखिए नली गली से लेकर के कई ब्रिज बने हैं, कोई पुल बने हैं और विकास से छूटा नहीं रहा, विकास बोकारो का हुआ है, लेकिन विपक्ष को भी मुद्दा चाहिए और विपक्ष इसी को लेकर के और इसी इन्हीं सब मुद्दों में से कुछ मुद्दे चुन करके जैसे पेयजल है इन तमाम। चलिए तो एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और पेयजल के मुद्दों पर बोकारो की जनता इस बार वोट करेगी और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा और जनसभा कितना महत्वपूर्ण होगा, पल पल की अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। दिनेश धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि बोकारो में भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है, बिरंची नारायण के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, जनसभा करेंगे, हालांकि पोस्टर बैनर्स के साथ सुरक्षा के कड़े व्यवस्था कर लिए गए हैं, उनके आगमन की तैयारी हो गई है। हालांकि क्या कुछ अपडेट्स आएंगे आपको रेगुलर इस पे अपडेट्स देते रहेंगे।